नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। T20 में क्लीन स्वीप करने के बाद अब टीम इंडिया ने वनडे सीरीज में भी 1-0 से बढ़त बना ली है। सीरीज का पहला मैच बारिश से धुलने के बाद टीम इंडिया ने जीत की लय बरकरार रखी है। टीम इंडिया ने यह मैच भले ही 59 रनों से जीता है, लेकिन असल में टीम में जो परेशानी लंबे समय से चली आ रही है, टीम को उससे निजात मिलती नहीं दिख रही है। टीम ने अब तक काफी खिलाड़ियों को इस नंबर पर उतारा है, लेकिन कोई भी खरा नहीं उतर पाया। पहले रहाणे, रायडू, कार्तिक, जाधव और अब ऋषभ पंत भी कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं। वैसे तो पंत को धोनी का उत्तराधिकारी माना जा रहा है, लेकिन वो धोनी के जैसा कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले गए दूसरे वनडे में भी पंत अपनी लापरवाही की वजह से अपना विकेट गंवा बैठे। 35 गेंदों पर 20 रन बनाकर सेट हो चुके पंत क्रॉस बैटेड शॉट खेलकर बोल्ड हो गए, जो कि टीम इंडिया के लिए सही लक्षण नहीं है। पंत ने बेहद ही गैर जिम्मेदाराना शॉट खेल अपना विकेट गंवाया। वो कार्लोस ब्रेथवेट की गेंद पर 35 गेंद में 20 रन बनाकर पवेलियन लौटे। पंत ने सेट होने के बाद गेंद की लाइन पर आने के बजाय अजीबो गरीब अंदाज में क्रॉस बैट से शॉट खेला, जिसकी वजह से वो बोल्ड हुए। हालांकि पंत को इसके बाद लाइव मैच में श्रेयस अय्यर ने सबक सिखाया। पंत के आउट होने के बाद टीम इंडिया में वापसी कर रहे श्रेयस अय्यर ने पिच पर कदम रखा और उन्होंने बेहद ही सूझबूझ भरी बल्लेबाजी की। अय्यर ने कमजोर गेंदों पर प्रहार किया और लगातार सिंगल रोटेट कर विराट कोहली के साथ शतकीय साझेदारी कर डाली। अय्यर ने अपने वनडे करियर का तीसरा अर्धशतक जड़ा और कप्तान कोहली के साथ चौथे विकेट के लिए 125 रनों की अहम साझेदारी की। श्रेयस अय्यर की इस पारी के बाद कई क्रिकेट एक्सपर्ट्स और फैंस ने उन्हें नंबर 4 का असल दावेदार बता दिया। श्रेयस अय्यर ने टीम इंडिया के लिए अब तक महज 6 पारियां ही खेली हैं और वो 3 में अर्धशतक लगा चुके हैं, जिन्होंने मिडिल ऑर्डर में आकर 9, 88, 65, 18, 30 और 71 रन की पारियां खेली हैं। अय्यर का बल्लेबाजी औसत भी 46.83 है, जो कि उन्हें नंबर 4 का प्रबल दावेदार बनाता है। अब पंत को अपने आप को साबित करने की जरूरत है, क्योंकि अय्यर उनसे बेहतर बैटिंग कर रहे हैं और साथ ही शुभमन गिल को भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि वो टीम में आने के लिए लगातार अच्छा खेल दिखा रहे हैं। जितने मौके पंत को मिल रहे हैं, उन मौकों को भुनाने की जरूरत है अगर टीम में बने रहना है, नहीं तो ज्यादा दिन टीम में नहीं रह पाएंगे।